الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن الله تبارك وتعالى يقول يا ابن آدم مرست فلم تعدني قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مريزا فلم تعوده أما لو عدته لوجدتني عنده قال يا ابن آدم استطعمتك فلم تُتِئِمْنِي قال يا ربي كيف أُتْئِمُكَ وأنت رب العالمين قال على أما علمت أنه أَمَكَ عبدي فلان فلم تطعمه أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي قال يا ابن ادم استسقيتك فلم تسقني قال يا ربي كيف اسقيك وانت رب العالمين قال ان عبدي فلانا استسقاك فلم تسقي لو سقيته وجدت ذلك عندي رواه مسلم सही मुस्लिम की हदीस है अब हुरैरा रजी हदीस के रावी हैं कहते हैं कि क्यामत के दिन अल्लाह तबारक एक बंदे को बुलाएगा पूछेगा कहेगा कि मैं बीमार था तूने मेरी यादत नहीं की वो बंदा कहेगा कि अल्लाह ताला तू तो रब्बुल आलमीन है तू कैसे बीमार होगा तेरी कैसे यादत होगी तो अल्लाह कहेगा कि मेरा फला बंदा फला इंसान मेरा फला बंदा बीमार था तुझे पता था लेकिन तू उसकी इयादत करने नहीं गया अगर तू उसकी खैर खरीद पूछने गया होता तो मुझे वहां पाता फिर अल्लाह किसी और को बता के पूछेगा कहेगा मैंने तुझसे खाना मांगा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया वो भी कहेगा अल्लाह ताला तुझे खाने की क्या जरूरत है तू कैसे खाना मांग सकता तो अल्लाह फरमाएगा कि मेरा फला बंदा तेरे पास आया था खाना मांगने के लिए तूने तो उसे खाना नहीं दिया अगर तूने खाना दिया होता तो उसका सिला मेरे पास पाता मेरे पास उसका मिलता। फिर अल्लाह पूछेगा कि मेरा फला बंदा ने तुझसे पानी मांगा तूने नहीं दिया एक बंदा कहेगा अल्लाह तला तुझे पानी की क्या जरूरत फिर अल्लाह तला कहेगा कि मैंने तुझसे पानी मांगा तूने पानी नहीं पिलाया तो बंदा कहेगा अल्लाह तला पानी की क्या जरूरत है तो अल्लाह जवाब देगा कि मेरा फला बंदा प्यासा था उसने पानी मांगा और तूने नहीं दिया अगर दिया होता तो आज तुझे मिलता उसका सिला है मुस्लिम की रवायत है ये पूरी हदीस आपके सामने है इसमें एक चीज पर गौर करें पूरी हदीस में तीन लोगों से अल्लाह ताला सवाल करता है तीनों के यहाँ एक मुश्तरक चीज कॉमन चीज क्या है कि एक फर्द की जरूरत को पूरा नहीं किया यानी किसी मकाम पर एक अकेला आदमी बीमारी से तड़प रहा है आदत करने नहीं गया कोई भूख से तड़प रहा है खाना नहीं खिलाया कोई प्यास से तड़प रहा है पानी नहीं पिलाया, यानी एक फर्द की बात है एक फर्द तड़प तड़ रहा है लोगों को पता था लोगों ने इसको ख्याल नहीं किया हमारे यहां जब फर्द की मदद की बात आती है इनफरादी तौर पर तो यही सूरत हाल होती है आदमी मुंह मोड़ लेता है आदमी ध्यान नहीं देता है अपने काम में मगन रहता है लेकिन दूसरी तरफ जैसे कोई इज्तमाही आफत आए अचानक कोई बड़ा हादसा आए कोई बड़ी तबाही आए जहां हजारों लोग मारे जाएं जहां बहुत बड़ी आबादी तकलीफ में हो वहां हर शख्स दुख का इजहार करता है तड़प जाहिर करता है सोचता है कि मैं किस तरह से सबकी मदद करूं किस तरह से सबके काम आऊं मैं किस तरह से हाथ बढ़ाऊ वहां पे यानी इज्तमाही जब मामला होता है एक बहुत बड़ी तादाद का मामला होता है तो वहां आदमी मदद करने के लिए अपनी तड़प का इजहार करता है कि मैं कैसे उनकी मदद कर सकूं। ये आप देखिए दो रवैया हमारे यहां पाया जाता है कि कहीं पर आम तबाही है चाहे सैलाब की बात हो चाहे जजले की बात हो चाहे किसी और तरह की तबाही हो जब इज्तमी तौर पर बहुत सारे लोग तकलीफ होते हैं तो बहुत सारे लोग दर्द का इजहार करते हैं तकलीफ का इजहार करते हैं और ये ख्वाहिश रखते हैं कि काश हम उनकी मदद कर सके वो बहुत सारे लोग करते भी बहुत सारे लोग बढ़ चढ़ के बहुत सारी मदद करते हैं लेकिन अपने घर के बगल में एक आदमी मर रहा होता है उसका ख्याल नहीं एक आदमी को खाने के लिए राशन नहीं उसका ख्याल नहीं एक आदमी के पास पीने का पानी का बंदोबस्त उसका ख्याल नहीं लेकिन दूर दराज हमारे मुल्कों से भी बाहर कोई आफत आती है तो तड़प उठते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए ये तड़प बुरी नहीं है ये मदद का जज्बा बुरा नहीं है लेकिन ये जो फर्क है हमारे है ना फर्द की सतह पर हमारे दिल में दर्द नहीं आता और जब ग्रुप की शक्ल में कोई बात आती है तो हम दर्द से कराए उठते हैं ये फर्क नहीं होना चाहिए ये फर्क जब यहां होगा तो अल्लाह ताला के यहां जब खड़े होंगे तो वहां भी ये फर्क दिखाई देगा कि अल्लाह ताला सवाल करेगा कि तुमने एक आदमी खाना मांग रहा था क्यों नहीं दिया बीमार था क्यों नहीं पूछा आज हम कहते हैं हम हजारों की जान किसी तरह बचा ले जाए एक आदमी मर रहा है तुम एक रुपया देने के लिए तैयार नहीं हो और कहते हो हजारों की जान बचाएंगे लॉकडाउन में कितने लोग खाने के लाले पड़े थे लेकिन आदमी एक रुपया निकालने के लिए तैयार नहीं और दूसरी तरफ शौक रखेगा कि हम बहुत सारी मदद कर सकते हैं ये कर सकते कुछ लोग करते हैं इनकार नहीं है लेकिन इन करने वालों पर भी एक सवाल यह निशान लगता है कभी कभी ये शक पैदा होता है ऐसा तो नहीं कि इनका रिया नमूद है दिखावा है बताना चाहते हैं जताना चाहते हैं कि हम ये हैं अब एक अकेले आदमी को खाना खिला देंगे कौन देख रहा है पता ही नहीं उसको तो फोटो खींच के व्हाट्सअप पे भी फेसबुक पे नहीं तो डाल पाएंगे लेकिन पचास लोगों को राशन दिया फ़ोटो खींचा डाल दिया व्हाट्सएप पे बुख तो डाल दिया हमने इतना बड़ा काम किया आपने इतनी बड़ी मदद की तो याद रखें सही बुखारी में एक और हदीस है अल्लाह रब्बुल रबनी क्यामत के दिन एक पहलवान आदमी को बुलाएगा ताकतवर आदमी को बोलेगा अल्लाह तला बोलेगा मैंने तुझको जिस्मानी ताकत दी थी सही बुखारी की हदीसे कहाँ इस्तेमाल किया तेरे राह में निकला मैं इलाइकमल्ला की खातिर इस्लाम की मदद की खातिर निकला यहाँ तक कि मैंने अपनी जान भी गंवा दी यहाँ तक कि मैंने उस जोश में अपनी जान गंवा दिया अल्लाह तला तो कहता झूठ बोलता है कजब था तो झूठ बोलता है तो इसलिए निकला था ताकि लोग तेरी बड़ी वाहवाही करें यह कौम का बहादुर है यह लड़ने के लिए निकला है इसकी तो पीठ ठोकना चाहिए बहुत बड़ा काम किया इस शौक में तो जाके मर गया लेकिन यहां तुझे कुछ मिलने वाला नहीं सुम्मा उमीरा भी और सोहिबा तुम उल के फिनार अल्लाह तला हुक्म देगा उसके चेहरे के बल घसीट के उसको जानने में फेंक देगा ये गया था पूरी मतलब इतना शौक है इसको कौम की मदद करने का कर जाके जान दे दिया अल्लाह उसे उठा के जानने में फेंक देगा क्योंकि यह शौक हमारे अंदर तब नहीं आता तो जब पड़ोस में कोई मर रहा होता है उसको बचाने की फिक्र नहीं है इधर गुरु बचाने की इतनी फिक्र है कि हम अपनी जान भी दे देंगे अल्लाह ताला उठा के जानने में फेंक देगा एक और को बुलाएगा अल्लाह ताला एक शख्स इल्म हासिल करेगा अल्लाह ताला उसे इल्म देगा वो तो कुरान पढ़ेगा आलिम होगा अल्लाह रबुल आलम बुलाएगा मैंने तुझे इल्म की दौलत दी थी क्या किया तो वो कहेगा कि मैंने तो इतना बड़ा काम किया इतने प्रोग्राम में तकरीर किया ये किया वो किया अल्लाह तला कहेगा नहीं झूठ बोलता है तो उन्हें यह सब इसलिए किया ताकि तेरी शोहरत हो पब्लिसिटी हो तेरी आज कितने लोग जो स्टार बनना चाहते हैं यानी इल्म के हवाले से स्टार बनना चाहते हैं जैसे फिल्मी स्टार ऐसे कुछ लोग इल्मी स्टार बनना चाहते हैं कि हमारा एक चर्चा हो हमारा एक नाम हो है? हमारी एक हाई फाई प्रोफाइल हो उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं और यह सब दीन के नाम पे कि हम दीन की तबलीग करना चाहते हैं लेकिन अचानक कोई बेसहारा शख्स आ गया और उसे कोई मसला दरपेश है वो अगर पूछने के लिए आपके दरवाजे पर आ गया पहुंच गया आपके दरवाजे पर हम नहीं कहते कि आपको किसी ने खरीद लिया आप हर एक मसला हल करो लेकिन अगर कभी आपके लिए आसानी है, आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है और कोई परेशान हाल आपसे मसला पूछने आ गया आपके पास वक्त नहीं है तो ये क्या हुआ इससे शक पैदा होता है कि ये दिखावे के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि अगर वाकई दर्द हो तालीम का बताने का तो वो शख्स भी इंपॉर्टेंट हमारी नजर में जो अकेला है जो गरीब है परेशान हाल है इस कौम का एक गरीब आदमी आ जाए तो बहुत सारे उलमा उसको नहीं पूछेंगे और कोई मालदार पैसे वाला आ जाए वो मीठी मीठी बात करेंगे उसके सामने ये क्या भाई अगर आप आलिम हैं तो आपकी नज़र में चाहे कोई मालदार हो पैसे वाला हो चाहे कोई गरीब हो बराबर होना चाहिए यानी कि आप उसके लिए सुबह शाम बैठे रहें मालदार आदमी के लिए और गरीब आदमी के लिए एक मिनट ना निकालें नहीं ये तरीका नहीं होना चाहिए सब बराबर होना चाहिए अगर आप आलिम हैं तो आपकी नज़र में सब बराबर होने चाहिए तो अगर कोई आलिम गरीबों को नजरअंदाज करता है इग्नोर करता है सिर्फ मालदार पर तवज्जो है या ग्रुप पर तवज्जो है तो फिर अल्लाह तला ऐसे शख्स के बारे में कहेगा कजब था तो झूठ बोलता है तो उन्हें यह सारी उछल कूद इसलिए मचाई ताकि तुझे तो आलिम कहा जाए ताकि जिसे स्टार माना जाए अल्लाह ताला तो उसे भी कहे उठा के डाल दो तो जाना में झोंक में देगा एक और शख्स को के दिन लाया जाएगा जिसको अल्लाह ताला ने बहुत तरीके से माल अता किया था यानी दौलतमंद था पैसे वाला था कई दुकानें कई कारोबार तरह तरह के पैसे अल्लाह तला अपनी नियमत याद दिलाएगा बोलेगा दुनिया में तुझको ये सब दिया था क्या किया बहुत काम किया मैंने इतने राशन बांटे इतने लोगों की मदद की घर बनवाएगा अलग बोल रहा है, है, है फोटो खींच के डालता फेसबुक पे ऐसे आदमी को घसीट के जानने में फेंका जाएगा ऐसे बदमाश आदमी को जो हदीस में है ना लियोकाल ताकि कहा जाए कि तो बहुत खैरात करने वाला है पुराने जमाने में तो लोग पब्लिक में जाके भीड़ में जाके सदका खराज कर आते थे और उसी पे मगन थे कि हमने चार लोगों के सामने किया आज का इंसान तो ले जाके फेसबुक पे डालता है कि हमने इतने लोगों की मदद की हम ये नहीं कहते कि फेसबुक पर डालने की कोई शक्ल नहीं हो सकती है अगर कोई इदारा है फोटो खींच के किसी चीज की और जाके डाल दे एक अलग चीज़ है उसमें किसी का नाम नहीं आता है ये बताने के लिए कि हम काम कर रहे हैं ताकि लोग ताउन करें उसकी शक्ल क्या हो सकती है आप सामान का फोटो खींच दो ले जाके फेसबुक पर डाल दो कि भाई ये कुछ लोगों की मदद से एक काम हो रहा है उसमें आपका नाम नहीं आ रहा है इधारे का नाम इधारे का नाम मतलब किसी का नाम नहीं है ये शक्ल हो सकती है लेकिन एक शख्स अपने नाम से जो मालदार आदमी हो अपना खड़ा रहे और बगल में गरीब आदमी को खड़ा करे और ऐसे उसके हाथ में पाँच की नोट थमाए उस तरह से वो पकड़े इस तरफ से ये पकड़े फोटो खींच डाल लें फेसबुक पर यह क्या ये हज पांच सौ की नोट देके अपनी तस्वीर फेसबुक पर डाल अल्लाह ताला क्या मत कि उसको घसीट के जानने में डाल देगा तो आप देखें कि हमारे यहाँ सदका खैरात करने वालों की कमी नहीं है उलमा की कमी नहीं है बहादुरों की कमी नहीं है लेकिन एक तरफ यह हदीस है सही बुखारी की कि अल्लाह ताला बहादुर को आलिम को मालदार को उठा के जानने में ठूस देगा और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों को बुला बुला के पूछेगा कि मेरा एक बंदा बीमार था क्यों नहीं देखा मेरा एक बंदा भूखा था क्यों नहीं खाना खिलाया मेरा एक बंदा प्यासा था क्यों नहीं पानी पिलाया तो हमारा रवैया आजकल ऐसा बना हुआ ना कि हमारे पड़ोस में कोई मरता रहे कोई फिक्र नहीं वो सात समंदर पार कोई मर रहा है चिल्ला उठते हैं हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए अल्लाह की बंदी वाकई इतना दर्द है तो तेरे पड़ोस का कभी खोज खबर लिया है तेरे इलाके में कितने लोग मर रहे हैं कुछ किया बस तो सात समंदर पार जा कर ये करेंगे भाई अगर आप यहां भी मदद कर रहे हो बाहर के लिए भी दुख दर्द है मैं पूरे तौर से गलत नहीं कह रहा हूं अच्छी बात है अपने मुसलमान भाई के तालुक से दर्द रखना मदद की तड़प होना सब अच्छी बात है लेकिन ये फर्क करना अच्छी बात नहीं है अगर आप ये फर्क करते हो ना कि पब्लिक में जाके डोनेट करोगे पब्लिक में जाके मदद करोगे और इनफरादी तौर पे कोई तड़पता रहे बिलबिलाता रहे आपके सामने गिड़गिड़ा रहे लेकिन आपको रहम नहीं आता ये बहुत गलत बात है ये चीज नहीं होनी चाहिए वरना अल्लाह तला पूछेगा क्यों नहीं खिलाया मेरे बंदे को क्यों नहीं पिलाया मेरे बंदे को क्यों नहीं देखा वो मर रहा था अस्पताल में क्यों नहीं उसकी आदत किया तो हमें मेरे भाइयों एहसास करना चाहिए लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे मेरे हाथ बदेवी कहां तुम्हारे हाथ बदे हुए क्या तुम्हारे माशेरे में सब ठीक ठाक चल रहा है क्या तुम्हारे यहाँ परेशान हाल लोग नहीं तुम्हारे इलाके में क्या तुम्हारे यहाँ ऐसे लोग नहीं जिनकी जान जा सकती है और तुम्हारी चंद मदद से उसकी जान बच सकती है कर सकते हो तुम यहाँ पे भी लोगों की जान बचा सकते हो तुम्हारे इलाके में भूखे जिन्हें आप खाना खिला सकते हो तुम्हारे इलाके में लोग परेशान हैं जिनकी आप मदद कर सकते हो तो इसलिए अगर जज्बा है तो सही रुख देना चाहिए और हर तरह के मामला में हाथ बटाना चाहिए कोई भी चाहे इबादत का मसला हो आप मस्जिद में भी आके नमाज पढ़ो आप अकेले भी नमाज पढ़ो अल्लाह के लिए भी कुछ इबादतें ऐसी करो जिसको कोई नहीं जानता है किसी को भी नहीं पता कि यह बंदा ये इबादत कर रहा है ऐसे कुछ सदका खैरात ऐसे करो कि किसी को पता नहीं आपको पता है जिसको आपने दिया उसको पता है बस मैं बात खत्म करूंगा उस हदीस पे से बुखारी की हदीस से अल्लाह के नबी सला फरमाते हैं कि सात किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह तला क्यामत के दिन फ़ी ज़िल्ली अपने साय में जगह देगा अपने साय से इमरत अरश का साय वहां पर जगह देगा उसमें एक ग्रुप किनका होगा रजन तसद का फाला एक आदमी ने सदका किया उसको छुपा लिया ऐसा छुपाया कि उसके बाएं हाथ को नहीं पता दाएं ने क्या दिया अब भाई बाएं हाथ को नहीं पता दाएं ने क्या दिया और तुम दाएं का फोटो खींच के फेसबुक पे डाल दो और उम्मीद रखो कि बहुत बड़ा काम किया हदीस तो कह रही है कि दाएं से दिया बाएं को पता ना चले और आदमी नोट पकड़ा कि फोटो खींच के डालना ये तो नहीं होना चाहिए तो अल्लाह के साय में जगह चाहिए महशर में सुकून चाहिए तो सदका करो भूल जाओ ऐलानिया भी करो वो भी गलत नहीं है पब्लिक में भी जाके आप सदका करो मैं उसको गलत नहीं कर रहा लेकिन कुछ इबादतें तनहाई की वाली भी होनी चाहिए तनहाई में भी कुछ करो जिसे कोई नहीं जानता आप जानते हो अल्लाह जानता है ऐसे उसी हदीस में है वराजुल जक्र फाजना कि एक ऐसा बंदा अल्लाह के आरिश के हो में होगा जिसने तनाई में अल्लाह को याद किया उसकी आंखें बह पड़ी तरावी में कुनूत पढ़ती भी नहीं रोने लगा में जहां कोई नहीं देख रहा है। इसे पब्लिक के सामने रोना नहीं आप पब्लिक के सामने रो रहे अरे तनाई में अल्लाह के सामने बैठो लोगों को पता ही नहीं कि यह बंदा कभी रोता है लोगों को पता चले कि इसकी आंख में आंसू नहीं लेकिन अल्लाह के सामने हाजिर हो रात की तनाई में कोई नहीं देख रहा रो पड़ो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है ऐसे आंसू अल्लाह ताला को बहुत पसंद है ऐसे आंसू में बड़ी ताकत है ऐसी इबादतों में बड़ी ताकत है मैं बात खत्म करूंगा बस एक और हदीस इशारा कर दू बार, -बार आपने इसको सौ बार सुना होगा तीन गार वालों का वह मालूम है सही बुखारी का कि बारिश हो रही थी गार में फंस गए तो बाहर कैसे आए वो तीनों के तीनों बाहर कैसे आए उन लोगों ने कहा अल्लाह हमने इतनी नमाजें पढ़ी हमको बाहर निकाल दे उन लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला हमने इतना खैरात किया लोगों को बांटा बाहर निकाल दे नहीं उन लोगों ने सिर्फ अपनी वो किया कि नहीं जो हिडन थी जो किसी को नहीं मालूम थी सिर्फ उनको मालूम थी और अल्लाह को मालूम थी और उन नेकियों का ताल्लुक भी खिदमत खल्क से था सोशल वर्क से था रोजा नमाज नहीं था रोजा नमाज तो फर्ज है तो करना ही करना है वो तो कौन सा बहादुरी काम का आपने रोजा नमाज पढ़ लिया तो कौन सा बहादुरी तो कर्ज था करना ही करना था अरे कुछ ऐसा करो जो करना नहीं था फिर भी आपने किया जो कंपलसरी नहीं था फिर भी आपने किया उसमें बड़ा वजन होता है तो इन तीनों ने अपनी वो नहीं किया कि नहीं ना जो ये नहीं करते तो कोई मसला नहीं था लेकिन उन्होंने किया और करने के बाद उसको छिपाया किसी को बताया नहीं गार में फंस गए उस वक्त सिर्फ अपनी जबान पे लाए और वो भी अल्लाह के लिए उसके बाद गार से बाहर निकले भूल गए इतने सदियों के बाद हमको किसने बताया अल्लाह ने हमारे नबी मोहम्मद ससम को बताया और मोहम्मद सस ने हमको बताया ना हमें पता भी नहीं चलता कि ये तीन बंदे गार में घुसे थे और गार से कैसे बाहर आए इन लोगों ने उसका प्रचार नहीं किया नेकियां की नेकियों का सिला भी इस दुनिया में मिल गया लेकिन ना नेकियों का प्रचार किया ना अपने सिले का प्रचार किया ये खामोशी के साथ की गई ताउन में ये ताकत होती है जो आपको इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकाल सके इसलिए मेरे भाइयों हमारे सामने जो मौका है सामने हम दुख दर्द का इजहार करते हैं तड़प का इजहार करते हैं अच्छी बातें लेकिन उन मौके को गंवाना नहीं चाहिए जो हमारे सामने है वहाँ अपना माल अपना इल्म अपनी ताकत इस्तेमाल करना चाहिए जितना हो सके अपनी फील्ड पर अपने समाज में अपने इलाके में लोगों की मदद करनी चाहिए अल्लाह ताला तुम सब कुछ तो ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबक साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकन